गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस जल्द ही गूगल को पत्र लिखकर उस आईपी एड्रेस या स्थान की जानकारी मांगने जा रही है जहां से टूलकिट वाली डॉक्यूमेंट फाइल बनाई गई थी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड की गई थी। केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, केंद्र सरकार द्वारा इन कानूनों में किसी भी संशोधन के लिए तैयार होने का यह कतई मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि इन कानूनों में कोई खामी है। तोमर ने यह भी कहा कि किसान संगठनों और विपक्षी दलों द्वारा लगातार इन कानूनों को काले कानून की संज्ञा दी जा रही है, किंतु अभी तक किसी ने यह नहीं बताया कि आखिर इन कानूनों में काला क्या है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया है, पिछले माह जनवरी में राजस्व के प्रमुख मुद्दों में 12,717.98 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। यह पिछले वर्ष की जनवरी की अपेक्षा 2,796 करोड़ रुपए ज्यादा है। खन्ना ने बताया, जीएसटी मद में 124.44 करोड़, वित्त में 446.47 करोड़, आबकारी में 1,778.39 करोड़, स्टाम्प तथा निबंधन में 346.35 करोड़ तथा भूतत्व व खनिकर्म में 118.51 करोड़ अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा, हम समय सीमा के अंदर ही पंचायत चुनाव कराएंगे। लखनऊ में हजरतगंज थाना क्षेत्र स्थित लोक भवन गेट के सामने एक ही परिवार के सात लोगों ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की है। परिवार हरदोई जिले के धन्नूपुरवा का रहने वाला है। मकान पर दबंगों के कब्जा किए जाने से परेशान होकर परिवार ने यह कदम उठाया। लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश और पुलिस कमिश्नर डी के ठाकुर ने आज कोविड-19 की वैक्सीन लगवाई है। इसके बाद कहा कि वे पूरी तरह स्वस्थ हैं। उत्तर प्रदेश में इस वर्ष मानसून सीजन में होने वाले 30 करोड़ पौधारोपण में शहरों के प्रदूषण पर अधिक फोकस किया जाएगा। राज्य के प्रत्येक शहर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में पौधे लगाए जाएंगे। इसके लिए 707 नगरीय निकायों में अलग से पौधारोपण की विशेष कार्य योजना तैयार की जा रही है। रोहतास बिल्डर के मालिकों पर सैकड़ों लोगों को प्लाट और फ्लैट देने के नाम पर ठगी का आरोप है। कंपनी के तीनों निदेशकों के खिलाफ गोमती नगर, विभूतिखंड और हजरतगंज समेत अन्य थानों में करीब 100 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। अयोध्या में सुबह एक प्राइवेट बस व डीसीएम सहित 3 वाहन आपस में भिड़ गए, जिससे बस में सवार महिला, पुरुष व बच्चे सहित लगभग 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल हुए हैं। घायलों में डीसीएम चालक सहित दर्जन भर से अधिक लोग गंभीर हैं। बैंकों के करीब 754.24 करोड़ रुपए हड़पने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया है। ईडी ने बैंक की ऑडिट रिपोर्ट हासिल कर ली है, जिसका परीक्षण कराया जा रहा है। इसके साथ ही बसपा विधायक विनय शंकर तिवारी व अन्य आरोपितों के बैंक खातों का ब्यौरा भी खंगाला जा रहा है। बहुचर्चित हिरण शिकार प्रकरण पर बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को राहत मिली है। हाई कोर्ट ने वर्चुअल के जरिए सलमान खान के जमानत मुचलके पेश करने की अनुमति दी है। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ पहले टेस्ट क्रिकेट मैच के पहले दिन 3 विकेट पर 263 रन बनाए। दिन का खेल समाप्त होने के समय कप्तान जो रूट 128 रन पर खेल रहे थे। अमेरिकी दवा निर्माता कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने अपनी सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल के लिए अमेरिकी दवा नियामक फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से अनुमति मांगी है। ताज़ा समाचारों से जुड़े रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।